They were working hard in the field. से कौन सा टेंस है? अच्छा, कोई भी जवाब दे सकता है। जो पास्ट कंटीन्यूअस है वहाँ पे वाज और वर लगता है, तो यहाँ पे वर क्यों लगा, वाज क्यों नहीं? मेरा ये सवाल है कि किसी से भी कोई एनीबडी, जैसे कि मैं अब अर्शु का नाम लूंगा, अर्शु डैश क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या लगेगा? अर्शु डैश क्रिकेट वर्ब है प्ले, प्लीज क्यों लगेगा? क्योंकि जो अर्शु है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एक्सप्लेन करता है। अच्छा, अब आप इसको इंटरोगेटिव बनाएं, इंटरोगेटिव बनाएं। अर्शु डज नॉट प्ले क्रिकेट, इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव, डज अर्शु प्ले क्रिकेट? वेरी गुड, राइट आंसर। अच्छा, ये जो चार बच्चे आपको नजर आ रही हैं, इन्होंने चैलेंज किया है। ये जो बच्चे आपको यहाँ से नजर आ रहे हैं, दिस गर्ल दिस एंड दिस टू गाइस, इनको इन्होंने चैलेंज किया है। आप देखते हैं, इन्होंने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना? आपने क्वेश्चंस करने हैं और ये आंसर्स देंगी, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं हम आज की एक्टिविटी, ठीक है? तो पूछो तूबा पहले, कौन पूछेगा पहले? मैं। आप ही? चलो ठीक है, आप ही पूछो। मेरा पहला सवाल है हुमा से। सर। जोर से पूछो। ही ड्राइव्स अ कार, इसे चेंज करो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ही ड्राइव्स अ कार, इसे चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। करो चेंज। ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार, ठीक है? ही हैज बीन ड्राइविंग द कार, इसका ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछेगा? थोड़ा सा मतलब आपको ये रुको, आपका क्या आर्गुमेंट है, आप क्या बोलती हैं? सर मैंने इसको टाइम नहीं दिया तो इसको क्या पता चलेगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका आंसर जो है इट वॉज राइट, ठीक है ना? बहुत अच्छा। नेक्स्ट कौन पूछेगा सवाल, कौन पूछेगा? अच्छा तस्कीन, मेरा जो नेक्स्ट सवाल है सुनो, बातें नहीं। आप मुझे बताए, आई वेंट टू डोडा है सेंटेंस, तो ये कौन सा सेंटेंस, ये कौन सा टेंस है? आई वेंट टू डोडा, ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस, बोलो आप। हाँ, जोर से बोलो। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन अब आप इसको भी चेंज करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही गोज टू डोडा, आई वेंट टू डोडा है, वहाँ पे क्वेश्चन है मेरा है आई वेंट टू डोडा, तो आई गो टू डोडा। हाँ राइट, आई गो टू डोडा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप पूछोगे, पूछो, रुको, मैं जब आपके सामने आऊंगा तब आपने जवाब देना। मेरा सवाल अर्शिया से है, अर्शिया से। ही प्ले फुटबॉल, कौन सा टेंस है और ठीक है कि नहीं? ही प्ले फुटबॉल, ये ठीक है? ही प्ले पहले बोलना है आपने, ये ठीक है? ही प्ले फुटबॉल, नो सर, ये गलत है। ये कैसे गलत है सर? क्योंकि जब भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिंगुलर, थर्ड फॉर्म ऑफ सर, जब भी थर्ड फॉर्म लगती है सर, आराम से बोलो, आराम से बोलो सर, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो तब उसके साथ एस या आईएस लगता है। किसके साथ एस या आईएस लगता है? वर्ब के साथ। राइट आंसर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, कुछ इसी के साथ सवाल, ये क्वेश्चन था। हाँ, और ये कौन सा टेंस है? ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ये कौन, फुटबॉल या क्रिकेट? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राइट आंसर। कोई और क्वेश्चन, कोई और? अच्छा सीरत, मेरा सवाल मंशा से है। मंशा, आई हैव डन माई होमवर्क, ये कौन सा टेंस है? आई हैव डन माई होमवर्क, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, राइट आंसर। प्रेजेंट परफेक्ट राइट आंसर है, रॉन्ग आंसर है? राइट आंसर, ठीक है। और कोई सवाल आप करो। मेरा
सवाल है, आई रोट अ लेटर हुमा के साथ। आई रोट अ लेटर, ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? आई रोट अ लेटर पास्ट इंडेफिनिट। इसे नेगेटिव बनाओ, इसे नेगेटिव बनाओ। कोई किसी और से सवाल करो, इसे नेगेटिव बनाना है। बनाओ खुशबू, खुशबू खुशबू। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर के बाद राइट की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई? हाँ, जब भी सेंटेंस में डिड लगता है तो उसके बाद जो फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्यों चेंज होती है? मैं सवाल सर इसलिए क्योंकि जो डिड है उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि जो डिड है वो खुद सेकंड फॉर्म है। और कोई? अच्छा तूबा, तूबा तूबा पहले। They dash dash eat and food. They dash dash eat and food. क्या आएगा? They have क्यों आया उधर? They has क्यों नहीं आया? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन प्लुरल है और थर्ड पर्सन प्लुरल के साथ दे हैव आता है, हैज नहीं आता है। वेरी गुड वेरी गुड, राइट आंसर है। वेरी गुड। हुमा से या किसी से भी आप इन जनरल सवाल पूछो, फिर जवाब कोई देगा तो बस। दे वर कोई भी, दे वर वर्किंग हार्ड इन द फील्ड, दे वर वर्किंग हार्ड इन द फील्ड, ये कौन सा टेंस है? They were working hard in the fields. हुमा ही बोलेगी। They were working hard. Past continuous verb. Very good, very good. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी पूरा नहीं हुआ। अच्छा पूरा नहीं हुआ है। अच्छा कोई भी जवाब दे सकता है। जो past continuous है वहाँ पे was और were लगता है, तो यहाँ पे were क्यों लगा, was क्यों नहीं? क्वेश्चन रिपीट करो। जो ये है ना मेरा सवाल, तो वहाँ पे वर लगा है, दे वर, तो वाज क्यों नहीं लगा है, वर क्यों लगा है? क्योंकि दे वर, हाँ रुको एक मिनट, क्योंकि जो दे है वो थर्ड पर्सन प्लुरल है और प्लुरल के साथ वर लगता है, प्लुरल के साथ वर लगता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ मेरा सवाल, शी हैज बीन प्लेइंग खो खो डैश डैश मॉर्निंग, क्या लगेगा वहाँ पे? She has been। बताओ ये कौन सा टेंस है? अच्छा ये कोई भी बोलेगा। चलो अर्शु बोलो। सिंस मॉर्निंग। और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कोई, और कोई सवाल? वेरी गुड। आई कट फ्रूट, ये कौन सा टेंस है? क्या क्या? आई कट फ्रूट, आई कट फ्रूट, ये कौन सा टेंस है? No, sir, present indefinite. Right answer. इसको present perfect में नहीं, देखो यहाँ पर ही तो I cut food। वेरी गुड, ये मैं सुनना चाहता था। ये फर्स्ट भी है, सेकेंड भी है, थर्ड भी है, क्योंकि कट की जो तीन तीनों फॉर्म सेम है, ये मैं सुनना चाहता था। मैंने यही सवाल प्रेजेंट परफेक्ट जब ये बनाती तो कट ही यूज करती। अच्छा वहां से आगे आपने अपने ये जहन ये सवाल करना था। बहुत अच्छा, चलो ठीक है, आपका भी बहुत अच्छा है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ और तूबा, तूबा। ही टीच अस इंग्लिश, ये ठीक है कि गलत है? गलत है। गलत क्यों है? एक बोलो यार, एक किसी एक को चूज कर लो। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उधर से वर्ब के साथ एस लगता है, इसलिए यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस किया। कमाल कमाल, सही जवाब दिया ना इसने। कमाल कमाल। तस्किन साहब, तस्किन साहब का सवाल है। मेरा ये सवाल है कि गर्ल्स, सुनो इधर। मेरा ये सवाल है कि किसी से भी कोई एनीबॉडी, जैसे कि मैं अब अर्शु का नाम लूंगा, अर्शु डैश क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या लगेगा? अर्शु डैश क्रिकेट वर्ड है प्ले, प्लेज क्यों लगेगा? क्योंकि जो अर्शु है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है
और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इंटरोगेटिव बनाएं। अर्शु डज नॉट प्ले क्रिकेट। इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव डज अर्शु प्ले क्रिकेट। वेरी गुड, राइट आंसर। और कोई? दे हैज ईटन फूड। कौन सा टेंस ठीक है कि गलत है? गलत। क्या गलती है इसमें? क्योंकि जो दे है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव लगता है, तो आप इसको ठीक कर रहे हैं। दे क्वेश्चन क्या है? दे हैज प्ले, दे हैज ईटन फूड। दे हैव ईटन फूड। ये कौन सा टेंस बना? दे हैव दे ये प्रेजेंट प्रोफेसर। राइट आंसर। They dash dash played cricket. और ये कौन सा टेंस है? क्या लगेगा? इसको They dash dash played cricket. They have played cricket. हाँ, और क्या? नेक्स्ट ये कौन सा टेंस है? बहुत अच्छा। आप पूछो। मेरा सवाल है, आई एम हियर ये कौन सा टेंस है? आई एम हियर ये कौन सा टेंस है? आई एम हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों है ये प्रेजेंट? क्योंकि वहाँ पे जो एम है वही मतलब वर्ब की जगह इस्तेमाल हुआ है। मैन वर्ब। नेक्स्ट सवाल, ही एट फूड नेगेटिव बनाना है। ही डज नॉट एट फूड। रॉन्ग आंसर। क्या? ही एट फूड। He did not eat food. Right answer. आपने यहाँ पे eight क्यों नहीं लगाया? Eat क्यों लगाया? क्योंकि जो day है वो खुद ही second form है, इसलिए eight। तो फिर जो eight है eight की जगह eat लगेगा। Right answer. बहुत अच्छा। और? They are digest food. Eat है verb. क्या सवाल है? They are digest food. Eating. Eat है verb. इसको जरा फॉर्म लगाना है इसकी। ईटिंग फूड। शाबाश, वेरी गुड। और हाँ, आप पूछो। आई डेल जस्ट गोइंग हियर। बहुत अच्छा। दे आर क्लाइंबिंग अ ट्री नेगेटिव बनाओ। दे आर नॉट क्लाइंबिंग। वेरी गुड। और जो मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था ना, दे आर ईटिंग फूड आपने बताया, तो इसको इंट्रोगेटिव बनाएं। जोर से बोलो। आर दे ईटिंग फूड। बहुत अच्छा। और ही डैश डैश ड्राइविंग द कार। ही इज ड्राइविंग द कार। राइट आंसर। कौन सा टेंस?